ये तो जान ले लेगी। सुल्तान बचो, सुनिधि अंदर हो जाओ, सब नीचे हट जाओ। तुम पर यकीन करके गलती की। हम इससे कैसे बचेंगे गौतम? कोई ना कोई रास्ता होगा। राजा ने इस चीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। इसे रोकने का रास्ता मिल गया। बॉल के अंदर के उस त्रिशूल को निकालना होगा, जिससे बॉल नीचे रखी थाली पर गिरेगा और यह बंद हो सकता है। त्रिशूल को कैसे निकालें? लगता है खजाना उस दरवाजे के पीछे है। जाओ दरवाजा खोलो जल्दी। अगर हम आगे बढ़े तो जान से जाएंगे, गलत जगह पर पैर रखते तीर चलेंगे, बचने का कोई मौका नहीं। यह त्रिशूल इसकी चाबी हो सकती है। तू पहले जा। तेरा काम यहां पूरा हुआ।
अब वे बाहर कैसे जाएगा? इस पूरे खजाने को पंछी बनकर पुर से उड़ा ले जाऊंगा, पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। खत्म कर दो उसे। देखते क्या हो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। खजाना तो मैंने देख लिया कमीने, मगर एक पल के लिए तेरी आंखों में खौफ देखना चाहता था, वो नहीं दिखा। अब तू अपनी मासूका को मरते देख। एक हिंदुस्तानी तो जैसे सैकड़ों आतंकवादियों के लिए काफी है। हमने जो पढ़ा था उसकी मदद से हम यहाँ तक पहुँच गए। खुदा नेक बंदों की हमेशा हिफाजत करता है। इतिहास के पन्नों को हमने हकीकत में तब्दील कर दिया। अब अगर मेरे ना हो तो मुझे करोड़ रुपए नहीं चाहिए, पर अगर मेरे हो तो मैं एक रुपया नहीं छोड़ता। तुम्हारे अब्बा चाहते थे ये सारा खजाना गवर्नमेंट के हवाले हो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शुक्रिया। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? दादाजी ने इंडिया जाने के खुफिया रास्ते के बारे में भी लिखा होगा ना? जिस तरफ से मैं आई थी वहाँ से तुम इंडिया बॉर्डर पहुँच जाओगे। दादाजी अपनी बहू के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। दादा की बहू बनोगी? हाँ क्यों नहीं।
हाँ।